हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे क्यूरियस। वी विल डिस्कस अबाउट फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। वेयर ए एंड बी, वेयर ए ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। ए को न्यूमिनेटर बोलते हैं, बी को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ए आपका क्या होता है? न्यूमिनेटर को हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। जब नेचुरल नंबर दिया रहा है या होल नंबर दिया रहा है तो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग ये समझ जाते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। बट बाय द वे फ्रैक्शंस दिया रहता है तो हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि फ्रैक्शन में हम लोग कैसे असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करें, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करें। आज हम लोग जान लेते हैं कैसे ईजिली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस के भी बता सकते हैं। इसके लिए हम लोग रूल देख लेते हैं। लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी बी टू गिवन फ्रैक्शन। ए बाई बी दिया है और आपको सी बाई डी दिया है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बी का सी में, डी का ए में। इसमें भी थ्री केस अराइज होते हैं आपके। फर्स्ट केस है इफ ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, देन ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी डी। सेकेंड केस है आपका इफ ए डी इज लेस देन बी सी, देन ए बाई बी इज लेस देन सी बाई डी। थर्ड है आपका इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, देन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। किसी क्वेश्चन में पूछ लिया, मान लीजिए आपका 5/2 एंड 3/2 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं 5/2 3/2। इसमें क्या करना है आप लोगों को? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6। जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे, जैसे ये आपका नंबर है वो 10 आपका बड़ा है और 6 जो है आपका छोटा है, तो आपका क्या, ये 5/2 जो फ्रैक्शन है आपका बड़ा हो जाएगा। 5/2 ग्रेटर देन 3/2। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।